मंदसौर शिवरात्रि के पावन अवसर पर आज मंदसौर के अष्टमुखी भूत भावन भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में सुबह 4 बजे से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान पशुपतिनाथ का नया अभिषेक राम श्रृंगार किया गया है, जिसके दर्शन लाभ प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। सुबह से ही विद्वान पंडित द्वारा भगवान महादेव का विशेष श्रृंगार और विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। महापर्व के इस आयोजन के पर मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद है। करीब 100 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए लिहाज से तैनात किए गए हैं, तो वहीं पूरे मंदिर परिसर की CCTV कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। मंदसौर जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने मंदिर पहुंचकर दर्शन लाभ लिया, वहीं मंदिर की वहीं व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। आज शिवरात्रि के अवसर पर पशुपतिनाथ गर्भगृह के करीब 36 घंटे द्वार खुले रहेंगे। भक्तों के आज के विशेष दिन दर्शन लाभ प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। महादेव के दरबार में देर रात्रि तक भक्तिमय माहौल रहेगा। मंदसौर जिले के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के अलावा तमाम शिवालयों में श्रद्धा भक्ति के साथ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदसौर संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। के पावन पर्व पर जिले के सभी शिव भक्तों को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। पशुपतिनाथ मंदिर के अलावा जिले के जितने भी शिवालय हैं उन सभी में व्यवस्था की गई है और सभी जगह लोग उत्साह के साथ शिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। आप सभी को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि का महापर्व आज के दिन कन्याओं के द्वारा भगवान शंकर जी को, भगवान पशुपतिनाथ जी को दूध, पंचामृत, पुष्प और बिलपत्र अर्पण करने से मन चाह वर की प्राप्ति होती है एवं दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है एवं जो वृद्धजन होते हैं उनकी समस्त कष्ट बाधाएं दूर होती है एवं नैर्ज दीर्घायु को प्राप्त होते हैं। आज के दिन परिवार वालों के द्वारा भगवान महादेव जी को पुष्प, बिलपत्र और दूध, पंचामृत अर्पण करने से परिवार सुखमय होता है एवं मन चाह इच्छा पूर्ण होती है। आज के दिन भगवान महादेव जी का चारों प्रहर सारी रात भर भगवान शंकर जी को जल चढ़ाने से समस्त इच्छाएं, आकांक्षा पूर्ण होती है एवं मन चाह वर को प्राप्ति होती है। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और मंदसौर जिले के भूत भावन भगवान पशुपतिनाथ अष्टमुखी भगवान के दरबार में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। काफी मनोरम दृश्य और भगवान का विशेष रूप से महाआरती, श्रृंगार और तमाम जो है श्रद्धालुओं का तांता यहां पर लगा हुआ है। सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर चालू है और सुबह 4 बजे जिस तरीके से मंदिर के कपाट खुले उसके बाद से ही लगातार भक्तों की भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है। मंदसौर जिले में स्थित भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर के अलावा और भी कई शिवालय में जो है आज भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में इस वक्त अब मौजूद है, जहां गर्भगृह की सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भूत भावन भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ है और काफी मनोरम श्रृंगार जो है भगवान पशुपतिनाथ का किया गया है। इस मनोरम दृश्य को निहारने के लिए भक्तगण जो है यहां पहुंच रहे हैं और निश्चित तौर पर आज पूरे दिन भर जो है काफी भक्तिमय वातावरण यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व है। ऐसे में भक्तों को इस विशेष दिन का मतलब इंतजार रहता है। कई भक्त अपनी मनोकामना जो है पूरी करने के, भगवान से मन्नतें मांगने के लिए या इस दिन का विशेष इंतजार करते हैं और वो दिन आज आया है और निश्चित तौर पर आज पूरे दिन भर जो है भक्तों की भीड़ यहाँ पर उमड़ेगी। दूर दराज से हजारों लाखों भक्त जो है यहाँ पर पहुँचेंगे और भगवान पशुपतिनाथ का जो है दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। शिवरात्रि के इस विशेष दिन यहाँ पर भगवान की विशेष पूजा अर्चना, महाआरती और भोग तमाम जो है भक्तिमय वातावरण जो है यहाँ पर बना हुआ था। सुबह से ही भक्त यहाँ पर पहुँचे थे और विद्वान पंडितों के द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना करवाई जा रही है। निश्चित तौर पर आज के इस विशेष दिन की सबका इंतजार रहता है और विशेष दिन आज पहुंचा है और भगवान शिव की जो है यहाँ पर आराधना की जा रही है, उन्हें बेलपत्र चढ़ाए जा रहे हैं, उन्हें प्रसादी और तमाम तरह के जो उन्हें भोग लगाए जा रहे हैं। तमाम विद्वान पंडित जो है यहाँ पर उपस्थित है और उनके द्वारा जो है भक्तों को दर्शन लाभ प्राप्त कराया जा रहे हैं। भक्त का सुंदर मनोरम दृश्य और अलग अलग नयनाभिराम दृश्यों को देखने के लिए भक्तगण जो है सुबह से ही मंदिर पहुँच रहे हैं।
और देर तक जो है यह सिलसिला जारी रहेगा। करीब 36 घंटे तक जो है मंदिर के कपाट खुले रखने की संभावना है आज के दिन, और दर्शन लाभ लगातार चलते रहेंगे। इसके अलावा मंदिर प्रबंध समिति की एक बेहतरीन सुविधा जो है इस बार लागू की गई है कि यूट्यूब पर दर्शन जो लाइव दर्शन जो है मोबाइल पर भी दर्शन लाभ प्राप्त कर सक रहे हैं भक्तगण। दूर दराज देश के किसी भी कोने में बैठे भक्तगण जो है यूट्यूब लाइव के जरिए भगवान का दर्शन लाभ प्राप्त कर सके। मंदिर में आज की सुरक्षा व्यवस्था की यदि बात की जाए तो 100 से अधिक पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है, वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर तैनात है। सीसीटीवी कैमरों से जो है मंदिर के ऊपर निगाह रखी जा रही है और कई तरह की जो है सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। कुल मिलाकर आज काफी भक्तिमय वातावरण यहाँ पर देखा जाएगा। देवेंद्र मौर्य।